हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में हम सलाइवरी माइलेज एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सलाइवरी एमाइलेज की अगर हम बात करें तो यह एंजाइम लार में उपस्थित होता है, दैट इज प्रेजेंट इन लार। इसका जो दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज का, दैट इज टाइलिन। यानी कि सलाइवरी एमाइलेज जो लार में पाया जाता है, जिसे हम सामान्यतः टाइलिन कहते हैं, यह मुख में लार ग्रंथियों द्वारा स्रवित होता है और इसका काम होता है, यह स्टार्च जो है हमारे फूड में प्रेजेंट होता है उसको यह माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम। टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, जबकि माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो ये इनमें दोनों में डिफरेंस है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय द टाइलिन एंजाइम। और ये जो शर्करा है, ये फलिंग विलयन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है, जिसकी हम अभी बात करेंगे। फलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव रिएक्शन ये शो करता है माल्टोज। तो माल्टोज कब बनेगा? जब स्टार्च का डाइजेशन होगा। तो लार जो होता है भोजन में, उससे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि स्टार्च खत्म हो जाता है, माल्टोज बन जाता है और वो फिलिंग सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव धनात्मक प्रतिक्रिया दर्शाता है। इसी प्रयोग को करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है और कुछ केमिकल्स की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आवश्यक उपकरण एवं रसायन। तो ये जो रसायन और उपकरण हैं वो क्या-क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करें तो हमें टेस्ट ट्यूब्स की ज़रूरत होगी। दूसरा हम बात करें तो हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत होगी, टेस्ट ट्यूब स्टैंड की ज़रूरत होगी। तीसरा हमें ज़रूरत होगी बीकर की, जिसमें हम सॉल्यूशंस रखेंगे, और स्प्रिट लैम्प गर्म करने के लिए, उसके अलावा ड्रॉपर मिक्स करने के लिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उपकरण हमें चाहिए। इसके अलावा केमिकल्स क्या क्या हमें चाहिए होंगे? वो होंगे फाइलिंग सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा हमें स्टार सॉल्यूशन चाहिए जिसका हम टेस्ट करेंगे, और उसके अलावा हमें सलाइवा चाहिए जिसमें कि टाइलिन एंजाइम होगा। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट है। अब हम फाइलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो फाइलिंग सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, ए एंड बी। फाइलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और साथ में उसको मिक्स करेंगे हम डिस्टिल्ड वाटर में। इस तरह से इसको तैयार किया जाता है। अगर हम कहें तो 14 ग्राम जो कॉपर सल्फेट है, इसको 200 ml डिस्टिल वाटर में हम डिजोल्व करेंगे और इसको बॉटल में भर के लेबल लगा देंगे। दूसरा हम बात करें फलिंग विलयन बी की, तो उसको हम बनाते हैं पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट के द्वारा, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। इसकी जो मात्रा लेते हैं वो होती है 69 ग्राम प्रति
और इसको भी मिक्स करेंगे 200 ml डिस्टिल्ड वाटर में, और साथ में मिलाते हैं 26 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीन यहाँ पर मिक्सर करके हम उसको डिसॉल्व करके और एक बोतल में भरकर उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, फाइलिंग सॉल्यूशन बी। स्टार्च पाउडर बनाने के लिए कोई ज़्यादा हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 100 ml जो बॉइल्ड वाटर होगा उसमें हम मिक्स करते हैं 1 ग्राम स्टार्च पाउडर, यानी कि 1% सॉल्यूशन यहाँ पर हम इसका स्टार्च का बनाते हैं, और इसको हम एक बोतल में भर के रखते हैं। इसके अलावा हमें एक सलाइवा के अलावा एक और यहाँ पर केमिकल की ज़रूरत होती है, दैट इज़ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन यानी कि स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। माल्टोज का टेस्ट करने के लिए हमें फैलिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी ये, लेकिन स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होगी। फैलिंग सॉल्यूशन किसका टेस्ट करेगा? माल्टोज का, ठीक है, जो कि आफ्टर डाइजेशन स्टार्च से ही बनता है। तो ये हमें इस तरह से आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, और आयोडीन सॉल्यूशन भी पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन क्रिस्टल्स को, पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन क्रिस्टल्स को हम डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर ही तैयार करते हैं और उसमें रखते हैं। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, फैलिंग सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, सलाइवा एंड आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, उसके बाद हम लार को एकत्रित करते हैं और उसको डाइल्यूट कर लेते हैं जल मिला करके। देन हम क्या परीक्षण करेंगे कि हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं यहाँ पर, ए और बी, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, और दोनों परखलेलियों में यहाँ 10 ml के लेवल तक सलाइवा को मिक्स करते हैं, सलाइवा इसमें डाल देते हैं, दैट इज सलाइवा। उसके बाद परख नली जो बी है उसमें जो लार है उसको हम बॉयल करते हैं, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब को हम गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, जिससे कि क्या होगा, लार में उपस्थित एंजाइम जिसकी हम बात कर रहे थे टाइलिन, वो डेस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, यानी कि अब वो अपना काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद दोनों परख नलियों में स्टार्च सॉल्यूशन डालते हैं 5 ml प्लस 5 ml स्टार्च सॉल्यूशन, ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाता है। ये स्टार्च हमने यहाँ पर मिक्स किया 5 ml, 10 ml लार पहले से ही था। अब क्या होगा, स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में होना चाहिए सलाइवा में उपस्थित एंजाइम के द्वारा, लेकिन यहाँ पर उस एंजाइम को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इस टेस्ट ट्यूब ए में ही तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज थ्रू द टाइलिन एंजाइम। ओके, इसमें कुछ समय लगता है, लगभग 1 घंटा इस डाइजेशन की प्रोसेस में लग जाता है इस एंजाइम को अपनी क्रिया करने में। इसमें से कुछ बूंदें हम इसकी बाहर निकालते हैं, यानी कि स्टार्च की, और उसमें आयोडीन मिलाते हैं, यानी कि यहाँ से कुछ सैंपल बाहर निकाला और उसमें आयोडीन मिलाते हैं। तो आयोडीन मिलाने पर क्या होगा,
कि अगर स्टार्च होता तो ब्लू कलर आता, लेकिन स्टार्च कन्वर्ट हो चुका है माल्टोज में, तो यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आता है, यानी कि कोई कलर नहीं आएगा। यह हो सकता है लाइट ब्लू कलर इसमें आ जाए, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है, यानी कि यहाँ पर स्टार्च नहीं है, इसलिए ये आयोडीन जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा। जबकि अगर स्टार्च की जांच हम इस टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसमें से कुछ सैंपल बाहर निकालते हैं 1 घंटे के बाद, तो यहाँ पर कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं हुई थी, तो जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ सॉल्यूशन करके ब्लू कलर देता है, जो कि कैसा होगा, डार्क ब्लू कलर होगा, यानी कि ये दर्शाता है कि टेस्ट ट्यूब बी में अभी भी डाइजेशन की क्रिया नहीं हुई है और उसमें स्टार्च उपस्थित है। जबकि पर्पली ए में स्टार्च एंजाइम के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आयोडीन परीक्षण ऋणात्मक आता है, यहाँ पर आयोडीन परीक्षण धनात्मक आता है। आयोडीन टेस्ट यहाँ पर नेगेटिव है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च, और यहाँ पर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है। इसे कंफर्म करने के लिए एक और हम कंफर्मेशन टेस्ट लगाते हैं कि परखनली ए में से कुछ विलयन फिर से बाहर निकालते हैं और उसमें फैलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं, जो हमने बात कही थी फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, उनको हम सामान्यतः कॉमनली फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। और जब इसमें जितना सॉल्यूशन हमने बाहर निकाला था इस ए टेस्ट ट्यूब से, उसमें उतना ही अगर हम फैलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं ए और बी, तो येलो प्रेसिपिटेट आता है, येलो प्रेसिपिटेट आता है इस टेस्ट ट्यूब में जब हम फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं, जो कि माल्टोज की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि माल्टोज यहाँ पर उपस्थित था स्टार्च की जगह, तो माल्टोज फेलिंग सॉल्यूशन से क्रिया करता है और येलो प्रेसिपिटेट बनता है। यही क्रिया जब हम दोबारा इसमें से निकाले गए सैंपल के साथ दर्शाते हैं और इसमें फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर माल्टोज उपस्थित था ही नहीं, वहाँ स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि परखनली ए में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, परखनली ए में स्टार्च लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के द्वारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसलिए आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। जबकि परखनली बी में गर्म करने से एंजाइम नष्ट हो गया, जिससे स्टार्च अपचित रह जाता है और आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन फेलिंग टेस्ट नेगेटिव आता है। तो इस प्रकार जो सलाइवरी एमाइलेज है उसकी क्रिया गर्म करने पर नहीं अवरुद्ध हो जाती है, और ये हम यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा करके देखते हैं। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।